राइट सो फाइनली ट्रिप इज एंड बट हमने ब्लॉग एक भी नहीं बनाया बट या लास्ट ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि आज हम शॉपिंग करने वाले हैं और आज का ब्लॉग हम बनाने वाले सो अभी चेकआउट कर रहे हैं 10 बजे चेकआउट करना था तो जाते हैं बाय गाइस अभी उठते हैं ये थैली गिली पकड़ लेते हैं बैग ही सारा लगेज हो गया बाय बाय जिस दिन आए थे उस दिन भी शॉपिंग ही हुई है लेकिन अब लास्ट डे है तो लास्ट डे भी कहीं नहीं जाने के अलावा सिर्फ शॉपिंग करने का प्लान जम रहा है तो अभी 2-4 टी शर्ट लेना है परवेज भाई को शादब भाई शाहिद भाई को एंड मुन्ना भाई को मैं भी ले लूँगा तो अभी पहले डिवाइन जाते हैं बिल्कुल रूम के अपोज में हमारे जहाँ पे सस्ते जुगाड़ू कपड़े मिल जा रहे हैं तो वहाँ जाते हैं वहाँ से क्लॉथिंग लेके सीधा हम जाएंगे मोहम्मद अली मार्केट जहाँ पर इनकी मोहतरमा के लिए ज्वेलरी इनकी मोहतरमा के लिए नकाब इनकी मोहतरमा के लिए भी चूड़ियाँ लेना और हमें हमारे घर वालों के लिए अम्मी के लिए हमारी बहनों के लिए भांजों के लिए नकाब वगैरह की शॉपिंग करना है तो चलते हैं वहाँ एंड मिलते हैं। सो यार शॉप इज़ क्लोज तो डिवाइन तो कैंसिल हो गया फ़िलहाल और अब जा रहे हैं सीधा मोहम्मद अली रोड जहाँ पर नकाब और बाकी सारी चीज़ें खरीदेंगे तो चलते सीधा मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद अली रोड पे पहुंच चुके हैं शोर काफी हो रहा है अभी नकाब ले रहे हैं परवेज भाई की अहलिया के लिए किधर से लेते हैं ये हमारे परवेज भाई है इनके लिए नकाब तो भाई नकाब देखते हुए भाभी जान के लिए पहली शॉपिंग हमारी हो गई है मुकम्मल तरीके से तो चलिए इनके पास से नकाब खरीद लिया हमने अभी ब्लॉग वाले भाई क्या बात कर रहे हैं नहीं नहीं मैं सच्ची तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट अभी हमको परवेज भाई के लिए शॉपिंग करना है तो नकाब वगैरह हो चुका है हम ऐसे नकाब लेके चले जाते हैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आया परवेज भाई के भांजों के लिए लेने के लिए आया ध्यान नहीं है तब यहाँ कपड़ों की शॉपिंग कर रहे ले भाई लोग अपने और देखिए इन्होंने कितना चैप्टर अरे ये कितना चैप्टर है वहाँ जाके जूस पीरा और छुप के पिया हम वीडियो बना रहे इसको पता ही नहीं कि हमारा खर्चा चलो ठीक है मुन्ना भाई के लिए कपड़े मुन्ना भाई क्या ले रहे मुन्ना भाई को दिखाओ अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है मुश्किल हो जाएगा फिर मजबूत देखो थोड़े ये फटा हुआ निकला भैया का पैंट देखिए आप सब पैंट फटा हुआ कहते भैया मैं उसका अल्ट्रा निकल गया है सिलाई निकल गया बाकी फटा हुआ नहीं निकल गया सीना निकल बाकी भाई इसको देख के आपको क्या लग रहा है बहुत कंफर्ट आएगा और ये फिटिंग में भी वो जबरदस्त रहेगा बाकी अपना आयाज भाई जो है ये सस्ते और अच्छे कपड़े देते हैं आयाज भाई के पास आओ मैं क्या बोल रहा भाई कैप की शॉपिंग हो रही है अच्छा लग रहा है तुम पहनो बहुत जोरदार भाई मैं आप पहनो भाई दिखा पूरा एंटीक लुक में अपने बंदे अबे क्या लग रहा मुन्ना इसकी चप्पल देखना क्या झलझल झलझल चमक रहा चार लोगों में पहचान में आएगा तू के अपना भाई आया है भारत थोड़ा उजाले में उजाले में उजाले इधर देख इधर देख नीचे मुंडी क्या लग रहा क्या बोलते हो भाई कैसा लग रहा भाई बताओ ना कैसा लग रहा मस्त लग रहा ये भाई की दुकान पे आ जाओ मोहम्मद अली रोड बहुत बढ़िया भाई हमने लेता है अच्छी बात ये इसमें आप कितनी भी ताकत लगा लो किसके बाप से बैग नहीं खुलेंगी ये इसकी पहचान है ओरिजिनल की ये चाइना है सही बोले भाई फिर वजह भी मामू जान को भी बताओ ना ब्लॉग बना रहे तो ये अपने मामू की दुकान है एकदम फाइनल निकलने अरे मेरा नहीं मेरे से क्या है मेरे से तो सादब भाई जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं 10,000 की चीज को 1500 में मांगने की पूरी कोशिश कर रहे हैं देखते हैं वो क्या होता है ये भाई डिस्कशन चल रही है इनकी देखते क्या कर सकते हैं
तो अगर इन्होंने ये जंग जीत ली तो हम समझ जाएंगे शादाब भाई इज द बेस्ट वुमेन से ज्यादा भाव करने वाले ही बहुत भाई घर से उसके अंदर ₹100 का खिलौना उन्होंने दो लिए ₹128 उसे चिल्ला ये क्वालिटी होनी कभी देखते जीत हासिल करते हैं हार तो 3800 10,000 से 3800 हुए है लेकिन शादाब भाई फिर भी हार नहीं माने वो 2000 पे अटके हुए तो देखते हैं क्या होता है आगे और भैया परेश माहौल है शादाब भाई सर पर हाथ रख के बाहर निकल गए इनको साइड निकल जाए क्या हुआ भाई बहुत रेट क्या बताऊं मैं नहीं जीत हुई अपनी जीत तो ये पहला मैच है जहाँ पे शादाब भाई हार चुके हैं कभी भी हार नहीं हुई अभी हम जाएंगे तो शायद वो आवाज़ दे सकते हैं ऐसा वो बोल रहे तो देखते हैं क्या होता है पॉसिबिलिटी है या नहीं है तो शादाब भाई 2500 बोलने गए 500 और बढ़ाए उन्होंने देखते हैं क्या बोलते हैं तो चाचा 3000 बोल रहे अब देखो क्या होता है चाचा 3500 बोल रहे शादाब भाई 2500 बोल रहे देखते हैं किसकी जीत किसकी हार होती है कौन जीतेगा कौन हारेगा कितना हुआ 2500 चलो कांग्रेस लाइफ है बॉम्बे के बाहर 10,000 का किराया का रूम ये किचन ये यहाँ से शुरू बेडरूम यहाँ खत्म बॉयज लोगों की पैकिंग हो रही है ये देखो टैबलेट खरीदे हमने ₹8,000 की ओनली 8,000 क्वालिटी देखिए दिखा दूंगा तो अभी फिलहाल ये हसन भाई के बैग वो शादाब भाई का बैग ये परवेज भाई ने एक नया लिए वो पुराना अलग ये नया 10,000 का 2,000 में इन्होंने दिला के दिए एंड ये जो बाहर वाले जो मेहमान लोग जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं उनके लिए जो तोहफे लिए वो तोहफे खतरनाक थकान हो गई है अभी हमारी 8:15 की हमारी घड़ी दिखाता लिए ना नहीं 8:15 की ट्रेन है तो हम ऐसे 6 बजे निकल जाएंगे ताकि वहाँ पहुँचे क्योंकि इसके पहले इनकी और इनकी ट्रेन छूट गई थी ये 2 मिनट में पहुँच रहे थे 2 मिनट में लेकिन दुरान तो इनके लिए रुकी नहीं तो इनकी छूट गई थी पर इस बार ये बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हम इनको ले जाएंगे साथ में ले जाएंगे हमारे मुदों के जल्दी आप आ जाइए तो हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं नीचे भाई चलो तो मिलते हैं सीएसटी तो बॉम्बे की स्पेशल चीज़ अभी तक खाए नहीं थे अभी खा रहे खा के बताओ कैसा खाएंगे बड़ा बा बिस्मिल्ला ऐसा टिकट कंफर्म नहीं थी सारी टिकट वेटिंग पे है वॉइस की आरएसीबी न्यूज़ सारी टिकट वेटिंग पे है भाई के एक दोस्त मिल गए हसन बाग के जिसने हमारे लगेज के लिए पर्सनली हमें लॉकर दिया है तो भाई ये रहे गौरव भाई ये तो इन्होंने दिया है तो हमारा काम हो गया तो अब हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं खड़े खड़े आड़े टेढ़े कहीं भी जगह ढूंढ डाल के पहुँच सकते ऑनलाइन है कि क्या है बता टिकट बताना मैं 4 बार बोल दिया अभी ट्रेन चलने के बाद ही अंदर है ना वेटिंग टिकट लेके जहाँ पर स्टाफ बैठता है वहाँ पर हम बैठे थे तीनों कैप लगा के पुमा दुबई और ये सद्दाम भाई अभी अभी ज्वाइन हुए बॉम्बे में मिले इनके साथ हमको नागपुर का सफर तय करना है तो अभी फिलहाल वेटिंग टिकट लेके बैठे है अब काम निकाल लेते रिश्तेदार बना लेते कुछ देर बाद
अरे आसिफ भाई छह माशाल्लाह 50 में दो ले लो, 70 ले लो, 70 में दो। अरे नहीं भाई ये मोहब्बत तुम्हारी ही नहीं है। अरे ये भाई का दिल में देख लेना यार, माशाल्लाह बहुत प्यारा दिल है आसिफ भाई का। तो क्या बोलते अब भाई को ब्लॉग में मशहूर करो, दुरंतो की ट्रेन में आसिफ भाई मिलेगी इनके पास से चिक्की लेने का बिल्कुल 50 रुपए में। आसिफ भाई को खिलाओ, हमारा ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। हम नागपुर पहुंच चुके हैं, नागपुर का तारीफ हुआ सत्याम भाई के तरफ से पेश होने वाला है। यहाँ पे नागपुर का तरी पोहा खाने वाले छोड़ना, इससे पहले यहाँ पे ये तरी पोहा स्पेशल नागपुर का, ये नहीं खाया तो नागपुर क्यों आया ये बता मेरे भाई। नेक्स्ट ब्लॉग में बता।